बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम निकल चुके हैं जनाब अपने घर से और हम चलेंगे अपने दो दोस्तों को लेने। और बड़े ही स्पेशल शख्सियात हैं, जितना कि आपकी नज़र में मैं हूँ तो इतने ही इम्पोर्टेंट वो दोनों लोग हैं जो आज हमारे साथ जाएंगे आइसक्रीम खाने। अच्छा, आइसक्रीम खाने क्यों जा रहे हैं, फिर उस पर व्लॉग क्यों, ये सारी बातें होंगी। अभी मुझे ये लगता है कि आपको बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिल रही होगी और इसमें वजह यह है कि मैंने अपने कैमरा और चीज़ें इतनी अपडेट नहीं की हैं। मेरे पास जो गिम्बल है इसी के ज़रिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आहिस्ता मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं इसको सीखूँ, समझूँ व्लॉगिंग किस तरह से करते हैं और उसके बाद एसेसरीज पे तवज्जो दूँ, अच्छा कैमरा, लो लाइट और सब कुछ। ज़्यादातर वीडियो हमारी होगी, हम जहाँ जा रहे हैं आइसक्रीम खाने वहीं पर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो रास्ते में होंगी, उन शख्सियात को दिखाऊँगा, उनको भी हमने आगे से पिक करना है और बहुत सारी बातें हैं। और ये व्लॉग भी आप बताइए, अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और अगर कोई रिकमेंडेशन हो कि मैं अपने व्लॉग में क्या करूं तो आप वो भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जी उस्मान साहब, उस्मान कैसे हैं? और बैक साइड भी आपको दिखा दें, मेरे पीछे बैठे हैं अहमद। अहमद क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, ये दोनों अब आप कौन हैं, इनसे आपका तारुफ हम आइसक्रीम पार्लर पे जाके करवाएंगे और अभी तो चलते हैं आइसक्रीम पार्लर की तरफ। अक्सर दोस्त जो यहाँ पे भी पूछेंगे कि आदिल भाई आप कहाँ रहते हैं, तो यार मुझे अपना पता बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वजह यह है कि जिस तरह के कंटेंट पे हम काम करते हैं, कभी हमारा सोशल इशूज़ पर बात होती है, कभी रिलीजियस क्रिटिसाइज हम बन जाते हैं और कभी हम पॉलिटिकल अफेयर्स पे बात कर लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी के नज़रियात को टच करते हैं और बुरी तरह से टच करते हैं। तनकीद जारी बात है, किसी को हर्ट करती है, तो मुझे लगता है कि इस किस्म का कंटेंट जब बंदा बनाता हो तो फिर उसे अपने होम एड्रेस के मुतालिक बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जज्बात में आके आपकी बात को किसी और तरह से समझ ले, जैसे वो बिलाल शहीद के साथ हुआ था। अभी रिसेंटली रिवील हुआ कि उसके साथ कोई मसल की तनाज़ा था, तो बस इसलिए मैं एहतियातन करता हूँ, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से दोस्त यूट्यूबर पे हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं आप समझ लें डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में रहता हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की। और बाकी बातें भी हैं कि हम आइसक्रीम खाने क्यों जा रहे हैं, हालाँकि गला ऑलरेडी ख़राब है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आइसक्रीम पार्लर पे जाके हम मजीद बातें भी करेंगे। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं ओकाड़ा में, जॉलीज आइसक्रीम ये देखें। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये केएफसी है ओकाड़ा में बाईपास के ऊपर और उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे मौजूद है। और अब देखते हैं, मैं इससे पहले एक दफ़ा फैमिली के साथ यहाँ पे आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा जायका रहा, बहुत मज़ा आया, तो सोचा कि दोबारा। और जिस बंदे ने भी ये इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत तरक्की करेगा, आइडियाज़ हैं उसके पास, चीज़ अच्छी है और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है और बनाया बहुत शानदार है। तो यहाँ पे अब इनका मेन्यू देखते हैं और खा के बताते हैं और इन बंदों से आपका तारुफ करवाते हैं कि ये कौन है। ये इनका मेन्यू है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, फ्यूजन है, संडेज है, शेक्स और इसके साथ कोल्ड मेन्यू है, ब्राउनी, हॉट मेन्यू, काफ़ी कुछ है और प्राइस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब मेरे दोस्तों को ये नहीं पता चल रहा कि हम यहाँ पे क्या ऐड करें। हमारा डिसाइड हो चुका है, नोटेला किसके? उस्मान का। और स्ट्रॉबेरी किसकी है? हमारी। और मेरी है चोको फल्स। अब ये कहते हैं भैया बात सुनिए, कौन आप? एक नोटेला, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रीम,
और चोको फज ये लेंगे, ठीक है? यस, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, आइसक्रीम आ रही है, और इसी दौरान मैं आपको तारुफ करवा दूँ कि जो वो लोग मेरे साथ आए हैं वो कौन कौन हैं। इनमें से एक तो अहमद साहब हैं और उनके साथ बैठे हैं उस्मान, और मैं ज़रा मुँह करके आपको दिखाऊँ। अच्छा, ये वो दो लोग हैं जिनके सिवा इस वक्त मैं चल नहीं सकता। ये मेरे टीम मेंबर हैं, अहमद अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, उस्मान काफ़ी देर पहले से, अभी इन्होंने जंबो टीवी और उर्दू किताब चैनल जो है इन दोनों दोस्तों ने संभाल रखा है। उर्दू किताब और जंबो टीवी पे आप जितना भी कंटेंट देखें उसमें आपको कोई चीज़ गलत लगे कि ये फैक्ट के रिलेटेड नहीं है, उसके लिए आप उस्मान को जितना मर्जी बुरा भला कह सकते हैं क्योंकि वो मैं काम नहीं कर रहा, उस्मान काम कर रहा है और अहमद काम कर रहा है। अच्छा, स्टोरी जो होती है ना, हर कामयाबी के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब ये लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप यकीन करेंगे, अब ये अगर मैं ना हूँ तो ये आपको बता सकें कि मैं क्या हाल कर देता हूँ काम करवाने के सिलसिले में। मेरा मानना है कि अगर इंसान जीता जागता है, उसमें हिम्मत है, जान है, बीमारी नहीं है, तो उसको मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, और यही ये दोनों करते हैं। मैं बड़ा रिलैक्स हूँ और मैंने ज़िंदगी में जो एम रखे थे, जो टारगेट्स रखे थे, वो मैंने अचीव कर लिए, जिसमें मेरा सबसे बड़ा टारगेट था घर बनाना। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने आप को ज़रा रिलैक्स करूं और जितना कुछ मैं अचीव कर चुका हूं ये काफ़ी है। उसके बाद मैंने अपने काम को कम किया और कम करने के बाद मुझे लगता था कि मुझे और रिलैक्स होना चाहिए, तो मैंने फिर उस्मान से रابطہ किया। उस्मान को काम ऑलरेडी आता था और मज़ीद मैंने इसको बताया, ये बहुत अच्छा हो गया। और इसके साथ तो अहमद बैठे हैं, अहमद को काम सिखाने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अहमद भी सीख गया है। तो बात यह है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं, तो मैंने अपने आप को मज़ीद रिलैक्स करने के लिए इन दोनों को भी टीम में रखा। अब दो चैनल्स जो हैं ये दोनों संभाल रहे हैं, और बाकी जो आदिल तनवीर, अरब उर्दू न्यूज़, और इसके अलावा ये चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रैवल विद आदिल, ये चैनल, इन पे मैं काम कर रहा हूँ, और इन पे भी मैंने पहले की नस्बत कम काम कर दिया है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स भी रहना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए। और एंजॉय करने के हवाले से ही आज हमने यहाँ पे ये सिटिंग रखी है आइसक्रीम की, एक तो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो एंजॉय करेंगे और मैं खुद भी एंजॉय करूँगा, क्योंकि काम 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 सिर्फ काम कर कर के ना आप अपनी लाइफ कम कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि ज़िंदगी में काम हो और काम के साथ इन्जॉयमेंट भी हो, आप फैमिली को, दोस्तों को टाइम दें, आप उन पर जाएँ, तो उसी लिए हम यहाँ पे आए हैं। अब आइसक्रीम आती है तो आइसक्रीम चेक करके आपको बताएंगे कि कैसा फ्लेवर है। तो जनाब, आइसक्रीम मेरे ख्याल आ गई हमारी, चैलेंज, थैंक यू सो मच। ओके जी, ये आइसक्रीम आ गई। इसमें पहचानो किसकी कौन सी है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये नोटेला, नोटेला ये, ये चोको फज है, यस ये चोको फज है, और ये नोटेला, ये आपकी और ये मेरी, ठीक है। हाँ, कैसे आइसक्रीम बड़ी शानदार है, ज़रा देखें, देखने से ही कमाल लग रही है और खाने से उससे भी ज़्यादा कमाल लग रही है। मैं हमेशा जब बेगम कहीं जगह कहती हैं कि जाना है हमने, खाना खाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मज़ा नहीं आया, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक नहीं था। तो यहाँ का भी उन्होंने कह रखा था कि जॉलीज आइसक्रीम जाना है, तो यहाँ पर आके मैंने पहली दफ़ा अपने व्यूज़ चेंज किए और मैंने कहा वाकई तुम बहुत अच्छी जगह लेके आई हो मुझे, और यहाँ आके वाकई मज़ा आया। तो अभी बाकी फ्लेवर्स देखते हैं। हाँ अहमद, कैसा लगा? ठीक है उस्मान, कैसा? ठीक है, तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगा। अभी इसको ख़त्म करते हैं और कोई बात और हुई तो करते हैं।
इन्होंने पास करना उसको। अब मैंने चूँकि पहले उसकी प्राइस नहीं देखी थी कि कितने कितने की आइसक्रीम है, तो ये हम तीन बंदों ने खाई पर इसकी प्राइस भी बनी है तकरीबन 770 रुपये। अब आप यकीन करेंगे किसी फेमस पार्लर पे जाके एक बंदे का 1000 से ऊपर का कप बनेगा। और सऊदी अरेबिया में भी ऐसे था, 50-60 रियाल तक तो मैं गया। और पाकिस्तान के अंदर भी दो तीन ब्रांड्स हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो रेट भी मुनासिब है, जिस तरह टेस्ट है उस तरह रेट भी ठीक है, 770। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई 1200-1300 तक आएंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया इतने कम और इतने ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर में बैठ के कम पैसों में जो आइसक्रीम खाई। इस ब्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम जो यूट्यूबर हैं हम भी बहुत काम करते हैं, लेकिन जब तक सिर्फ काम करते थे तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी, कि जो अपने रवैये हैं वो चिड़चिड़े थे और फेड अप हो जाता था। पैसे 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 कमा कमा के बंदा ना बस हो जाता। तो जब से पैसों का आना कम हुआ, यानी काम कम करना शुरू किया, पैसे ज़रा कम हुए और ज़िंदगी में ये एक्टिविटीज़ खाना पीना बाहर निकलना शुरू हुआ, तो ज़िंदगी मज़ेदार हो। इस तरह आप जहाँ भी हैं जो काम कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को ज़िंदगी में रखिए, आप खुश रहेंगे तो आपसे वाबस्ता लोग भी खुश रह पाएंगे और आप अपने शोबे में अच्छा काम कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कोई सजेशन कोई बात जैसा कि शुरू में कहा था तो मशवरा जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।